एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड स्टाइल बाय वीवो। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नायका हॉल, और मैंने वहाँ से थोड़ा ही सामान मंगाया है। सो मैंने वहाँ से इतना सारा सामान ऑर्डर करा था। सो यही सब प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं, कैसा वर्क करते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और जो आप ये मेकअप देख रहे हैं, मैंने इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके ये मेकअप लुक क्रिएट करा है। सो अगर उसकी वीडियो चली जाएगी तो आपको मैं यहीं कहीं स्क्रीन में दे दूंगी या अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना, वरना इस वीडियो के बाद ही आएगी ये वीडियो। सो आप ज़रूर चेक करिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, उसके साइड में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना, ताकि फ्यूचर में आपसे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप मेरी सबसे पहले वीडियो देखें। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, मुझे सारे प्रोडक्ट कार्डबोर्ड बॉक्स में मिले थे। सो इस टाइप का कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स था, मैं स्क्रीन में आपको फोटो डाल दूंगी, क्योंकि मैंने वो जो प्रोडक्ट्स आए थे वो लॉकडाउन में आए थे, सो वो मैंने बॉक्स फेंक दिए थे। सो इस वजह से मैं आपको स्क्रीन में फोटो डाल दूंगी, सो आप देख लेना। सो आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है वहां से। सो गाइस, पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये मस्कारा, और ये ब्लू हेवन का मस्कारा है। सो मैंने इसके बारे में अच्छा सुना था, सो इस वजह से मैंने इसे ऑर्डर करा था, और मेरे पास ब्लू हेवन का मस्कारा नहीं था, सो इस वजह से मैंने इसे ऑर्डर करा था। सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो आपको इसके बैक साइड में सारी डिटेल मिल जाएगी और कैसे अप्लाई करना है वो भी लिखा है इसमें। सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, ब्लू कलर का ऑर्डर करा था मैंने, और बहुत ही क्लासी एंड रॉयल पैकेजिंग है इसकी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो इसका ना वॉन कुछ इस टाइप का है, और मैंने इसे अप्लाई करा था आज, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है आपको। ये आपकी लैशेस को लेंथ प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छे से कोट करता है। सो ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, सो अभी तो मैंने ये लगा रखा है। सो मुझे इस मस्कारा की बस एक चीज पसंद नहीं है कि ये जल्दी से ड्राई नहीं होता, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आपका मस्कारा जल्दी ड्राई नहीं होगा तो वो आपकी अपर लैश लाइन या कहीं पे भी लग सकता है, जो कि हुआ मेरे साथ। सो मुझे बस ये चीज़ इसकी पसंद नहीं आई, बाकी सब तो बहुत अच्छा है, अच्छे से वर्क कर रहा था ये मस्कारा। सो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, और इसकी प्राइस मैं आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मुझे कितने का पड़ा था मुझे ये याद नहीं है। सो या मैं इसकी सारी डिटेल जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और प्राइस आपको यहाँ पे स्क्रीन में कहीं पे भी मैं आपको मेंशन कर दूँ। सो पहला मेरा ये था प्रोडक्ट। सो गाइस, नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो भी ब्लू हेवन का है, और ये ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट है। सो इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, जो कि बहुत अच्छी लगती है, और आपको ना ये ऐसे आप इसे ओपन करके देख सकते हैं अपने सारे शेड्स कि आपके इसमें कौन कौन से शेड है। सो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, और इसके बैक साइड में आपको इसके इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे जो जो इसमें है। सो इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, और इसमें ना आपको एक ब्रश मिल जाता है, वो कुछ इस तरह का ब्रश है, जो मतलब काम का नहीं है, बट अगर आप लोअर लैश लाइन पे कुछ लगाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है। सो गाइस, ये मेरा शेड नंबर है 03, और आपको इसमें बहुत सारे शेड मिल जाएंगे। सो इसमें ये येलो कलर मुझे बहुत पसंद आया, इसी वजह से मैंने ये वाला शेड पिक करा था। सो मैं इसके आपको स्वॉचेस दिखा देती हूँ। सो ये रहे इनके सारे स्वॉचेस, और इनकी पिगमेंटेशन ज्यादा अच्छी नहीं है, मीडियम ही है, और अगर आप बिल्ड करेंगे तो आपको अच्छी कवरेज मिल जाएगी। सो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने वहां से ऑर्डर करा था। सो नेक्स्ट जो मैंने वहां से ऑर्डर करा है वो भी एक आई शेडो पैलेट है, और ये है एले कलर्स का आई शेडो पैलेट। इसमें आपको 16 आई शेडो मिल जाएंगे, और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो गाइस, इसमें आपको कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकेजिंग नहीं मिलती है आउटर से, और ये आपको ऐसे ही रिसीव होंगे। सो इसमें आपको और भी शेड मिल जाएंगे, मैंने ये वाला पिक करा था, और इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कौन सा शेड नंबर है,
इसका, सो मुझे पता नहीं कौन सा है। सो ये कुछ इस टाइप का है, इसके शेप बहुत प्यारे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे, खासकर ये पर्पल कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो मैं काफी टाइम से चाह रही थी कि मैं ये वाला पैलेट लूँ, सो फाइनली मैंने लिया। और इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। और आप ना ये दो शेड एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनको एज अ हाइलाइटर लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। सो मैं आपको कुछ शेड्स की पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। सो गाइस ये भी इस पैलेट के स्वॉचेस और इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, जैसा कि आपको दिख रहा है। सो गाइस ये थे कुछ शेड्स के स्वॉचेस। सो गाइस ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने वहां से लिया था। सो गाइस नेक्स्ट जो मैंने वहां से ऑर्डर करा है वो है मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम, और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो अगर आपके थोड़े स्पॉट्स हैं या पिंपल है तो आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। सो मैंने अभी इसे यूज करना स्टार्ट करा है, सो मैं आपको इस पे फुल रिव्यू वीडियो बनाऊंगी जल्द ही कि मुझे कैसा रिजल्ट मिला है। सो इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, और ये आपको पंप के साथ रिसीव हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। सो आप आसानी से निकाल सकते हैं जितना आपको प्रोडक्ट लगेगा। सो गाइस ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। और गाइस इसके साथ मुझे ये मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर मिला था विद एप्पल साइडर विनेगर, ये आपको फ्री मिलता है इसके साथ। सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है इसकी आउटर से, और ये इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। ये भी एक्ने के लिए बहुत अच्छी है क्रीम, सो मैं इसे भी ट्राई कर रही हूँ। मैं जल्दी आपके साथ इसका भी रिव्यू शेयर करूंगी। सो इसमें आपको 25 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है। सो ये ट्रायल पैक है, अगर आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं नायका पे। सो ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट, और इसमें आपको ना, और इसमें आपको 30 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है। सो गाइस ये थे मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस नेक्स्ट जो मैंने वहां से ऑर्डर करा है वो है इन कलर्स कॉस्मेटिक का स्टे मैट मूस फाउंडेशन, और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकेजिंग में मिल जाता है आपको। और इसमें मेरा शेड नंबर है 02। सो गाइस ये आपको मीडियम कवरेज प्रोवाइड कर देता है, और आप इसकी सेकेंड लेयर लगा सकते हैं, आपका बेस बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा। सो इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, और इसमें आपको 30 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि बहुत है। सो यही फाउंडेशन मैंने अप्लाई भी कर रखा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेस, आप देख ही सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने वहां से ऑर्डर करा था। सो नेक्स्ट जो मैंने वहां से ऑर्डर करा है वो है एक हाइलाइटर स्टिक, और वो है इनसाइड की हाइलाइटर स्टिक, और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आती है, पिंक एंड सिल्वर कलर की इसकी पैकेजिंग है, और इसमें मेरा शेड नंबर है 02 रोज गोल्ड। एंड इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, और यहाँ पे आपको इसका शेड नंबर मिल जाएगा, और इसमें आपको बैक साइड में एक स्पंज मिल जाएगा, जो कि ठीक है, ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करता है, मैंने इसे ट्राई करा था, बट ठीक है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो मत करिएगा, ज्यादा अच्छा भी नहीं है। सो इसमें आपको 7.5 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है, और ये आपको रोल करना पड़ता है जिससे आपका प्रोडक्ट ऊपर आएगा। सो आपको इतनी क्वांटिटी मिल जाती है इसमें, और ये फेयर स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका पिगमेंटेशन, और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है, अच्छी स्टिक है, मैंने लगाई भी है, मैंने यही हाइलाइटर यूज करा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, नेचुरल लग रहा है। अगर आप फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ इसे लगा लेंगे, तब आपको बिल्कुल एकदम से नेचुरल ग्लो मिलेगा। सो बहुत अच्छी स्टिक है, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। सो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस नेक्स्ट जो मैंने वहां से ऑर्डर करे थे वो है कुछ लिप क्रियोन और एक लिक्विड लिपस्टिक, जो कि ब्लू हेवन की है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग मिल जाएगी और ब्लैक कलर का कैप मिल जाएगा। सो इसमें आप आराम से अपना शेड देख सकते हैं कि कौन सा है,
और इसमें मेरा शेड नंबर है 09। बहुत ही प्यारा रेड शेड है। सो मैं ना इनकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको इनके लिप स्वॉचेस भी दे दूंगी। सो गाइस इसमें ना रेड के साथ थोड़ी पिंक की टोन दिख रही है। सो ये कुछ इस टाइप का है ये शेड। सो आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। सो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस नेक्स्ट जो मैंने वहां से ऑर्डर करा है वो है एक लिप क्रियॉन और ये है एलिडीन का लिप क्रियॉन। सो ये कुछ इस टाइप का है छोटू सा। सो इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। मेरा इसमें शेड नंबर है 04 पीच लव और इसमें आपको ब्लैक कलर का कैप मिल जाएगा। सो ये कुछ इस टाइप का है और इसको आपको शार्प करना पड़ेगा। इसमें रोलिंग कुछ है नहीं रोटेट करने का, इसको आपको शार्प ही करना पड़ेगा। सो ये है इसका शेड, बहुत ही प्यारा पीची शेड है। सो मेरे पे कोई भी पीच कलर की लिपस्टिक नहीं थी सो मैंने ये वाला ऑर्डर करा। बहुत ही अफोर्डेबल है। सो ये आपको अंडर 150 की रेंज में मिल जाएगा। सो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस नेक्स्ट जो मैंने वहां से ऑर्डर करा है वो है बेला बॉस्टिक का लिप क्रियॉन और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है। इसका ट्रांसपेरेंट कैप है और ब्लैक कलर का बॉटम है। सो इसकी कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है। सो इसमें मेरा शेड नंबर है 04। सो ये है इस शेड का नेम टेक माई ब्रेथ अवे। सो या ये था मेरा नेक्स्ट क्रियॉन और इसका शेड ये है। सो इसको भी आपको शार्प करना पड़ेगा और अभी तक मैंने इसे यूज नहीं करा है। सो मैं आपको जब मैं इसे यूज कर लूंगी देन मैं आपको इस पे फुल रिव्यू दूंगी। सो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस नेक्स्ट जो लिप क्रियॉन है वो है मिस क्लेयर का लिप क्रियॉन और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है और ये बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। इसका कैप बहुत ही लूज है, अगर आप कहीं ले जाएंगे तो ये ब्रेक हो सकता है। सो ये ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है बट ये आपको रोटेटिंग फॉर्म में मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। आपको इसमें शार्प करना नहीं पड़ेगा और आपको इसमें इतना प्रोडक्ट मिल जाता है। सो इसमें मेरा शेड नंबर है 03 और इसका स्वॉच मैं आपको दे देती हूँ। सो ये कुछ इस टाइप का शेड है इसका। सो इन लिप क्रियॉन की इतनी अच्छी तो पिगमेंटेशन नहीं है बट देखते हैं लिप्स पे कैसा वर्क करते हैं, कितनी पिगमेंटेशन आपको मिलती है। सो मैं जल्दी ही इन लिप क्रियॉन्स को ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसा वर्क करते हैं। सो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो भी एक लिप क्रियॉन है। सो ये है इन कलर कॉस्मेटिक का लिप क्रियॉन और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है। रेड कलर का इसका कैप है और ब्लैक कलर की इसकी बॉटम है। सो ये आपको कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में रिसीव होगा। सो इसका भी कैप थोड़ा लूज है तो मैं आपको बोलूंगी कि ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। सो ये है इसका स्वॉच और इसकी पिगमेंटेशन काफी अच्छी है मिस क्लेयर के लिप क्रियॉन से। सो इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, आप चाहे तो इन्हें बाय कर सकते हैं। और इसमें मेरा शेड नंबर है 601 और इसमें भी आपको रोटेटिंग फॉर्म में मिल जाता है। सो आपको भी इसमें शार्प करने की जरूरत नहीं है और आपको इतना प्रोडक्ट इसमें मिल जाता है। सो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट। सो गाइस ये सारे प्रोडक्ट मैंने नायका से ऑर्डर करे थे। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। सो मुझे अच्छे प्रोडक्ट रिसीव हुए, कोई भी ब्रेक नहीं था, कोई भी टूटा नहीं था। सो वो अच्छी चीज थी। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। उसके साइड में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना। सो गाइस मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।